नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज, मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन बाकी दलहन हम आज भी आयात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां पानी की कृपा बढ़ रही है, 2023 में आज़ादी के 75 साल बाद दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है, इसलिए दलहन का उत्पादन वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 बार समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने ईडी को बीजेपी का एजेंसी कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसी शराब घोटाले में कई छापेमारी की और कई गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। ऐसे फर्जी केस में कई आप नेताओं को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। फर्जी समन भेजकर ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर जांच की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं कि एक दिन में 500 मरीज देखे गए, जबकि मोहल्ला क्लिनिक का औपचारिक समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। 240 मिनट में किसी ने अगर 533 मरीज देख लिए तो इसका मतलब आधे मिनट में एक मरीज देखा गया। उन्होंने कहा कि इतने समय में तो आदमी मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने समय में डॉक्टर ने रोग को समझ कर उसका निदान समाधान सब लिख दिया।
सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबेरे 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240, और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। शरद गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। सीडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अहवाड ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जितेंद्र अहवाड ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए श्री राम को ला रही है, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है, कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया है, 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है वो तो मैंने नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बाला कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का। उधर सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि उनसे कौन भीख मांगने गया था पता नहीं। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें उनकी दया की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी PM मोदी को होगी, और ममता बनर्जी आज PM मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों चीज हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो ज्यादा सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में,
अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गया में महाबोधि मंदिर का दौरा किया और भगवान बुद्ध की पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाबोधि मंदिर में हमने भगवान के दर्शन किए हैं, पर्यटक विभाग मंदिर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के व्यवस्था के लिए और क्या करेगा उसका हमने मुआयना किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने हमें जो निर्देश दिए हैं उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या रोज बढ़ती जा रही है तो उनके लिए व्यवस्था और होनी चाहिए, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद पर्यटक विभाग के साथ बैठक होगी। दलाई लामा जी से भी मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया, मंदिर में भगवान के भी दर्शन हम लोगों ने लिए हैं और साथ ही साथ मंदिर में और ब्यूटिफिकेशन और जो लोग पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु आते हैं उनके लिए और व्यवस्थित ढंग से पर्यटन विभाग क्या करेगा इसको भी हम लोगों ने मुआयना किया है। उसका विस्तार का हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा दिया है देश उस पर हम लोग आए हैं देखने की और आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है प्रतिदिन श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु को बैठने की मेडिटेशन की जो व्यवस्था और होनी चाहिए व्यापक उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो उसी दिशा में हम लोग काम करने। बाकी आप जान रहे हैं कि 5-स्टार होटल जो गया में जो हुआ है वो भी साइट जा रहे हैं देखने और उसके बाद जितने लोग होंगे पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखने पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ईडी ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को 7वीं बार नोटिस दिया है और वह इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरफराज अहमद की सीट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाली की गई है जो विधायक नहीं है ताकि वह विधायक निर्वाचित हो सके। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को पता है कि एक दिन उन्हें सलाखों के पीछे जाना है, इसलिए वह अपनी कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं। कल को मैंने लिख करके कह दिया है, क्योंकि आप सब लोगों के जानकारी में है जब सरफराज अहमद ने गंडे विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र भी तुरंत दिया और तुरंत उसको स्वीकृत भी हो गया इस समय, तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसा व्यक्ति तो पता करेगा ही कि आखिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि फिर इस प्रकार की रिजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है, तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है समझ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री यहां से वहां भागे फिर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक यानी जो विधायक नहीं हो वैसे व्यक्ति के। अब खबर कन्नौज से है, जहां सिपाही सचिन राठी के हत्या के आरोपी हिस्ट्री सीटर के घर पर बुलडोजर चला। सुबह से पीसी और भारी फोर्स हिस्ट्री सीटर अशोक यादव के गांव में तैनात रहा। बुलडोजर एक पोकलैंड मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मानकों को ताक पर रखकर क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसने बंकर नुमा घर बना रखा था, इसे प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों के अनुकूल माना था। हिस्ट्री सीटर के घर पर बुलडोजर चलने के बाद धरनी धीरपुर नगरिया गांव में सन्नाटा पसरा रहा। हिस्ट्री सीटर अशोक यादव और उसकी पत्नी सिपाही की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और उनके नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेजा गया है। उधर मुरादाबाद के सदर तहसील के
गांव खैया खादर में बीते 10 दिन पहले 7 लाख की लागत से लगभग 600 मीटर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा सरकारी सड़क का निर्माण किया गया था, जिसका सच तब सामने आया जब हाल ही में बनाई गई सड़क उखड़ती हुई नजर आई। इसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया और पीडब्ल्यू के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार करने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। बनी है लेकिन उसमें जो कुछ ठंड की वजह से प्रॉब्लम आई है, बाकी इसकी ग्रामीण वहाँ पे लोकल जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो ट्रैक्टर वगैरह से उखड़ी है सड़क, उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है, वो तुरंत उसको ठीक कराएंगे। नहीं, हाथ से तो आपके कोई भी सड़क जो ताजी बनी होगी वो निकल ही जाएगी, आप एक तरफ से उखाड़नी शुरू करेंगे वो तो टाइम लगेगा उसको सेट होने में, ठंड का टाइम है, तो ऐसा नहीं है, जो खराब होगी वो उसे दोबारा से ठीक करेंगे। अच्छा, उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया। अच्छा, कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सर इस मौसम में ये पड़वाई बेकार है सड़क। नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, मौसम उस टाइम सही था, ऐसा नहीं है, बाद में खराब हुआ है, धूप थी। कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा उस रास्ते को रुकवाया गया है। तो ये तस्वीरें देखनी, वो आपने सदर तहसील के गांव खैया खादर की है, जिस तरह ग्रामीणों का आरोप है जो सड़क जो डलवाई गई है लगभग आप 4 से 5 दिन सड़क को बिछाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये काला जो डाबर आपको नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये 4-5 दिन पहले इसे बिछाया गया था, और इस पर साफ साफ ग्रामीणों का आरोप है कि जो यहाँ जो सड़क को बिछवाने का काम किया गया था उस वक्त इसकी सफाई नहीं की गई, और साथ ही जो कोलतार लगाया जाता है वो यहाँ कारपेट नहीं बिछाया गया, और उसके कारण ये है कि ये जो जगह आप खड़े हैं इस जगह पर वो सड़क को ग्रामीणों ने जब हाथ से उस बजरी को उठाया तो पूरे इसमें ढपड़े के ढपड़े उछलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देख सकते हैं आप बड़े बड़े जो छत्ते कह सकते हैं इसे, वो ऐसे बजरी आपको उठती हुई नजर आएगी। तो वो तस्वीरें आपको एक बार दिखाऊंगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग है किस आधार पर लापरवाह बना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये आपको नजर आएगी, ये बजरी को आप जब हटाएंगे तो ये ग्रामीणों ने हाथ से खुद उखेड़ा था, और आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस तरीके से बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन रोड के रपटा पुल के पास बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। आपका हमारा राकेश शुक्ला। कहाँ से बैठे थे आप? हम बैठे थे जलंधर सिटी से। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे भगवानपुर चौराहा थे। भगवानपुर चौराहा, कितनी सवारियाँ थी इसमें? इसमें सवारियाँ तो थी वैसे 60-70 से ऊपर ही थी, 60 सवारी रखी। कितने लोग की डेथ हुई है इसमें? इसमें एक लोग की डेथ होगी, 2-3 लोग की पता ही नहीं है, कहाँ पे मिले ही नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के पवई में अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं के प्रति कितने लापरवाह हैं, इसका उदाहरण पवई विधानसभा से सामने आया है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद जोशी ने खुले मन से अधिकारी और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे और गरीब तक हमारी सरकार की योजनाएँ नहीं पहुँचेंगी तो ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं आए? उनके बाप का राज है, हमारे किसान परेशान है, लोग घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, यहाँ जवाब दे रहे सबके बीच में, क्यों नहीं बुलाए जाते? बिजली विभाग से कौन है? उनके बाप का राज है, जनता का राज है, क्यों नहीं आते? कल भी मैंने कहा था, सारे आप बैठे हुए पन्ना में धार्मिक स्थलों और कार्यक्रमों में ध्वनि नियंत्रण संबंधी आदेश के विरोध में पन्ना डीजे साउंड यूनियन और डीजे साउंड के काम से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शासन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाई गई है, उसे हमारे डीजे साउंड व्यापार पर भी प्रतिबंध लग गया है,
जबकि हमारा मुख्य काम शादी विवाह से संबंधित है जो सामान्य जन भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। शासन द्वारा शादियों में दो बॉक्स से अधिक पर रोक लगाई गई है जिससे डीजे संचालक व्यापार करने में असमर्थ है। कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर कोई साउंड वाला या डीजे वाला हम लोग का संग नहीं देगा तो इवेंट वालों को कहीं ना कहीं समस्या का सामना इसलिए करना पड़ेगा कि जब साउंड ही नहीं मिलेगा तो हम फिर कार्यक्रम कैसे संपन्न कर पाएंगे। और फिर शासन प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम दो तो डब्बे कम हैं, कम से कम 6 बॉक्स का परमिशन आप दें जिससे हम लोग कार्यक्रम कर सकें। और आप लोगों का भी इसमें कार्यक्रम होता है, आप लोगों पर कितनी फर्क पड़ा है? फ़र्क ज़्यादा तो पड़ेगा कार्यक्रम में तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है क्योंकि दो बॉक्स में तो कार्यक्रम संपन्न होता नहीं है। आप भी जानते हैं इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे होते हैं, अब 4 इंस्ट्रूमेंट 5 इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो उसके लिए साउंड सिस्टम भी हैवी चाहिए पड़ेगा। अब दो बॉक्स में कहाँ तक आप हो पाएंगे? क्या है आज हम लोग जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हम लोगों को एक प्रतिबंध लगाया गया है मानकता के तहत, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। प्रदेश सरकार का मानना यह है कि 2 डब्बे और 43 डेसिबल पे हम लोग अपना कार्य पूर्ण करें, जबकि सभी के घरों में 2 डब्बे 2 बॉक्स हैं ही, तो कोई लोग या कोई भी व्यक्ति हम लोगों से कार्य करवाने के लिए है ही नहीं है। हम लोग केवल यहाँ पे ज्ञापन के तहत ये कहने आए हैं हम सरकार के समय से काम करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी मांग जो है कि 2 डब्बों की जगह पर अगर 4 या 6 डब्बों की मांग पूरी हम लोगों की कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा काम भी चलता रहे, प्रशासन का नियम भी चलता रहे। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? नहीं होती है तो आगे देखेंगे, जो हमारी कोर कमेटी है भोपाल की उसके तहत जो हम लोगों को निर्देश। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा में 26 दिसंबर की रात सराफा कारोबारी अंकित रस्तोगी की दुकान से घर जा रहा था, इसी बीच बदमाशों ने अंकित रस्तोगी को स्कूटी से उतार कर जानलेवा हमला कर दिया था, साथ ही उनके गले की चेन भी छीन ली थी। इस मामले को लेकर अंकित रस्तोगी ने थाना मुगलपुरा में 4 बदमाशों का नाम दर्ज कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामूली धाराओं में मुगलपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस बीच थाने से ही चारों बदमाशों को खड़े खड़े जमानत भी मिल जाती है और दबंगों ने पुलिस को चुनौती देते हुए हाथ में लगी हथकड़ी में अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें पीड़ित अंकित रस्तोगी को थाने में ही वीडियो के जरिए से धमकी देने वाला मामला प्रकाश में आया है। अंकित रस्तोगी ने SSP को लिखित शिकायत देकर चारों ही व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। सर ये कुछ ये शराबी तत्व के लोग हैं और जो है मुझसे पैसे मांग रहे थे और मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तब इन्होंने जो है मुझे घर लौटते समय जो है मेरे साथ जो है घर के आगे मारपीट की है इन्होंने मुझे और सिर में चोटें मारी हैं मेरे और मैंने मेडिकल भी कराया इसका और 2-3 दिन भागे रहे। उसके बाद इन्होंने जो है 41K के तहत इन्होंने जमानत ले ली और उसके बाद वहीं से जो है इन्होंने वीडियो डाली थाने से ही कि जो है मैं तो बरी हो गया अंकित, अब तू तो गया, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मुझे धमकी दे रहे हैं ये लोग मारने की। मैंने कप्तान साहब को भी अवगत करा दिया है और जितने भी अपर अधिकारी हैं उनको मैंने जो है अपनी तरफ से जो इनकी पेन ड्राइव में जो इन्होंने जो हरकतें की हैं वो सब मैंने उनको अवगत करा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते काम कर रहे बिजली कर्मी को करंट लगा, वहीं कर्मचारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मामला लखीमपुर खीरी के लोकाही ईशा नगर का है। उधर गोरखपुर एम्स के पूर्व निदेशक पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें हटा दिया है। उनकी जगह पर पटना एम्स में निदेशक के पद पर तैनात डॉक्टर जीके पल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जीके पल पटना में 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पटना एम्स को राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च स्तर पर ले गए हैं। आज गोरखपुर एम्स पहुंचकर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और यहां के डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से गोरखपुर एम्स के बारे में जरूरी जानकारी ली। तो ये है, मैं आज एक्चुअली ज्वाइन किया हूँ
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्णपाल हूँ, डायरेक्टर ऑफ एम्स पटना। मैं इधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज एम्स गोरखपुर में ज्वाइन किया हूँ। मेरा तीन प्राथमिकता है। एक है कि जो पेशेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसको कितना बेहतर हम कर पाएंगे, इसको हम करेंगे। इसमें भी फर्स्ट है कि हमारे जो मैन पावर है, इसमें एक्चुअली तीन मैन पावर होते हैं। एक है फैकल्टी, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करके जितने हम फैकल्टी ले पाएंगे, मैंने जल्दी ले पाएंगे और एक्सपीरियंस फैकल्टी ले पाएंगे, ये करेंगे। दूसरा है नर्सिंग स्टाफ, तो हमारा नर्सेस स्टाफ को भी स्ट्रेंथन करेंगे। और तीसरा है रेसिडेंट डॉक्टर्स, वो जो सीनियर रेसिडेंट है उनको भी हम बहुत जल्दी रिक्रूट कराएंगे। एक्चुअली मैं समझाऊँ कि रेसिडेंट डॉक्टर्स बहुत कम है। और उसके साथ भी और एक है कि हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो हॉस्पिटल का जो कहते हैं, वो भी इधर बहुत कम है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में गंदगी फैला हुआ है। इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद से लेकर नगर पालिका के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्ड नंबर 2 में गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसको लेकर आम जनता अब वार्ड पार्षद के खिलाफ नजर आ रही है। परेशानी आ रही है, ये नाली साफ नहीं हो रही है, रोड साफ नहीं हो रही है, पूरा रोड मतलब कचरा पड़ा है, परेशान है हम। अभी तक किसी को शिकायत की आपने इस बारे में, किसी को बोला है नगर पालिका में? बोला है पर करवाते नहीं है। पार्षद को बोला है, सतीश राठौर को, वो भी उल्टा बोलता है। मतलब क्या बोलते हैं आपको? उल्टा बोलते हैं, करवा देंगे, नहीं करवाना जाओ। तो इस बारे में आपने अभी तक किसी को बताया? उनको ही बताया था, पार्षद को। कितना समय हो गया लगभग बताया को? ये 15-20 दिन। ठीक है, आपका नाम? अक्षय वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? आदर्श काल। फूल हो रही है और रोड की झाड़ू भी निकल नहीं रही है क्या? और ये गंदगी खूब है, लोगों ने कचरे उन डाल जा रहे हैं, उसका भी कोई वो नहीं हो रहा। तो आपने इस बारे में कभी किसी कहीं शिकायत वगैरह की है? हाँ, की ना, बहुत सी बार हमारे पार्षद को बोला पर कोई सुनवाई नहीं करता है क्या? जी, सुनते ही नहीं है बिल्कुल। नगर पालिका में बहुत बार वो बच्चे ने फोन लगाया, जब का आज आप आए हो? आपका नाम? बबीता वर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली डलमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग से एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते आग ने बगल के एक कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कमरे में लगा एसी भी जलकर राख हो गया। एम्बुलेंस में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी एम्बुलेंस जलकर राख हो चुकी थी। ये 102 एम्बुलेंस है जो डलमऊ में सीसी परिसर के अंदर सूचना मिली है कि वो सर्विसिंग होके आके खड़ी हुई थी और अचानक उसमें आग लग गई। उसका नंबर है UP 32EG 94। उधर रायबरेली में मिशन शक्ति अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। नाबालिग किशोरी के साथ बहसी दरिंदे ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। मामला खीरी थाना क्षेत्र के बाबा खेड़ा गांव का है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग किशोरी के साथ उसके ही गांव के रहने वाले शख्स ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद लड़की के घर में कोई मौजूद नहीं था और वह घर में अकेली थी। तभी मौका पाकर गांव के रहने वाले युवक ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर डाला। लड़की के परिजन जब लौटकर घर आए तो नाबालिग किशोरी ने रो रो कर पिता को अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित पिता ने थाने पहुंचकर दुष्कर्म की आरोपी प्रकाश को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ? राम सजीवन,
कहाँ रहते हैं आप? बाबा खेर। थाना कौन सा लगता है? खेरो। क्या हुआ है? एक लड़का आके घर में हम नहीं रहना और वो जबरदस्ती छेड़खानी करी थी। बिटिया के साथ है? हाँ। रोशनी। कितनी उम्र हुई बिटिया? 16 साल। 16 साल आए आपके साथ, क्या हुआ? राम सजीवन। सर एक कछार की छात्र संदीप को मामले सामने आया, क्या मामला क्या था? देखिए थाना खीरो में कल इस बात की सूचना मिली कि एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई, जांच पड़ताल की और जो पीड़ित पक्ष था उसे तत्काल तहरीर लेकर के मुकदमा कायम करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और उसमें जो आरोपी व्यक्ति था उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसे उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी गई है। पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराया जा रहा है और बहुत ध्यान से इस प्रकरण। उत्तर प्रदेश के कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य में तैनात इंस्पेक्टर को बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान गोली लग गई थी। दो पक्षों के विवाद की सूचना पर इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर मौके पर पहुंचे थे, जहां कई राउंड फायरिंग में इंस्पेक्टर को गोली लग गई जिसके बाद वह घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल घायल इंस्पेक्टर को अलीगढ़ के वरुण ट्रामा अस्पताल में लेकर आए, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा इंस्पेक्टर हरि भान सिंह का ऑपरेशन कर कंधे में फंसी बुलेट को सफल ऑपरेशन से निकाल लिया गया। घटना के बाद आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ घायल इंस्पेक्टर का हालचाल जानने अलीगढ़ पहुंची और इंस्पेक्टर का हालचाल जानते हुए जल्द ही आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आश्वासन दिए। मैम आप मिलके आई हैं इंस्पेक्टर साहब की, ऑपरेशन हो चुका है, किस तरह की कंडीशन है? जी हमारे जो SHO सिकंदरपुर वैश्य कासगंज के हैं हरभान सिंह राठौर, उनकी सर्जरी सवेरे 7:30 बजे कंडक्ट हो चुकी है और पूरी मेरी डॉक्टर्स की टीम के साथ वार्ता हुई है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन और जो बुलेट उनके शोल्डर में लॉज थी उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर और कुछ दिनों में ही एक दिन में ही मेरे ख्याल से शाम तक की या कल सवेरे तक की ICU से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और 3-4 दिन वार्ड में रहने के बाद ही विल बी रिलीव फ्रॉम दी। वहीं रायबरेली में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस का पहिया निकल गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन का है, जहां महिला के पेट में दर्द की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रायबरेली एम्स के लिए रेफर किया गया था। तभी बुजुर्ग महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस का पिछला पहिया अचानक निकल गया जिससे वहाँ हड़कंप मच गया। वहीं बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ती देख दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद जब दूसरी एम्बुलेंस पहुंची तब जाकर बुजुर्ग महिला को एम्स ले जाया गया। क्या नाम है आपका? महेश सर। कहाँ रहते हैं? हरचंदपुर रहते हैं, पूरे बगतावर। क्या हुआ था? इनके पेट में दिक्कत हुई, रेफर किया एम्स के लिए, कह रहा है जिला अस्पताल भर्ती रहे। माता जी पहिया निकल गए सर, उसके बाद खट हुआ, पता नहीं हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटियाला के सनौर में दो लोगों ने एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक के ऊपर तेजाब डालने की घटना को अंजाम दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि 29 साल का निखिल सिंगला अपनी हार्डवेयर स्टोर के ऊपर बैठा हुआ था, तभी स्कूटी पर मुंह ढके हुए आए दो लोगों ने कुछ बातचीत करने के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सनौर थाना इंचार्ज ने बताया कि CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पीड़ित के बयान भी दर्ज किया जा रहा है जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक निजी अस्पताल में निखिल सिंगल का इलाज चल रहा है। की नाम है भाई? मैं गुरविंदर सिंह, SHO सनौर। सर की मामला है जिहड़ा जे सनौर दे विच इक एसिड अटैक होया? वो एक निखिल सिंगला सन ऑफ इंद्रजीत सिंगला है, सनौर सदर बाजार के रहने वाले। अज इन्हें दुकान ओपन की है तो दिन कोई 3 अणपछाते बंदे जिन्होंने मुँह वगैरह बन्ने हुए उन्होंने आके जोड़ा इस पर एसिड अटैक किया जिसे यदि अखा वगैरह की बचत है, मेजर आउट ऑफ डेंजर है। हम किसी की दुकान करता लोहे के हार्डवेयर की दुकान
ਕੋਈ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਚ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 9 ਵਜੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗਿਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਖਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ? ਸਨੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁਕਾਨ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ? 2 ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਆਪ ਬਨੇ ਰਹੇ ਆਰਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ।